मेरे कक्षा 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। नया चैप्टर है अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो सवाल है वो क्या है, वार्षिक परीक्षा में आता है। इसलिए क्या करना है आपको, बहुत ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है और ये जो लिखा हूं ना, इनमें से एक एक नंबर का सवाल आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। देखना इसमें लिखा क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक चर का द्विघात समीकरण पहले इसी समझते हैं। ध्यान से देखना, एक लिखा है तो एक ही चर होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है एक चर, तो चर राशि एक ही होना चाहिए। अगर किसी समीकरण में अगर एक है तो समीकरण में सिर्फ एक ही होना चाहिए, कोई दूसरा राशि नहीं होना चाहिए। अगर समीकरण में y है तो पूरा y ही होना चाहिए। अगर z है तो पूरा z ही होना चाहिए। दो उसमें कभी नहीं हो सकता, x प्लस y, ऐसे y प्लस z, इस प्रकार कभी भी नहीं हो सकता। इसको ध्यान देना क्या है, अगर समीकरण है अगर x है तो x ही रहे। कोई भी समीकरण बनाए, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान देना, देखो अगर x है तो x ही रहना चाहिए, अचर राशि हो सकता है। देखो ध्यान देना, अगर चर राशि बोला है तो चर राशि केवल एक होना चाहिए। अगर एक है तो एक ही होना चाहिए, उसके बाद संख्यात्मक मान या जिसको बोलते हैं अचर राशि वो रहेगा तो चलेगा। अगर मान लो इसमें वाई स्क्वायर लिखा है तो वाई स्क्वायर प्लस 2y-3 बराबर 0। ध्यान देना, y है तो y ही रहना चाहिए, मतलब एक तो चर होना चाहिए। इसको दो ढूंढी लिख सकते, मान लो x स्क्वायर माइनस 2y-2 करनी 2 बराबर 0। तो ध्यान देना, इसमें x और y दो चर आ रहा है। दो चर इस पूरे चैप्टर में कहीं भी पन्ना पलटा के देख लेना, आपको दो चर कहीं भी नहीं मिलेगा। एक ही समीकरण में, एक समीकरण में केवल एक ही चर मिलेगा। अगर एक साथ तो एक ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा और z है तो z ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ से अभी इसको समझते हैं, एक चर हो गया। द्विघात मतलब होता है घात दो, याद रखना। द्विघात को वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग मतलब घात दो होता है। द्विघात मतलब संस्कृत का वर्ड है, द्विघात मतलब घात दो, और घात दो को क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। तो याद रखना, अगर इसको एक चर का वर्ग समीकरण बोलेंगे तो भी वही चीज है, और द्विघात समीकरण बोलेंगे तो भी वही चीज है। एकदम ध्यान से वीडियो को देखें और सुने, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रही हूँ। देखना यहाँ पर ये वर्ग हो गया, वर्ग मतलब कितना घात होता है, घात दो। ये हो जाएगा इस प्रकार, इसको लिख सकते हो घात कितना होता है, घात दो। ना हो गया, अब देखना ये समीकरण, याद रखना समीकरण पता है जिसमें बराबर का निशान रहता है, चर राशि और अचर राशि दोनों रहता है, और बराबर का जिसमें निशान रहता है, बराबर रहता है वह क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मानक समीकरण। याद रखना सिर्फ बहुपद, अध्याय एक में आप लोग बहुपद पढ़े हो, मेरा जो पहला वीडियो बना है अध्याय एक का बहुपद में, जिसको मैं समझाया बहुपद होता क्या है उसको आप समझ ले। तो सेम वैसी चाहिए द्विघात समीकरण जो है, याद रखना जो द्विघाती बहुपद, याद रखना यहाँ पर देखो लिखा है द्विघाती बहुपद को शून्य के बराबर लिखने पर समीकरण बन जाता है। मतलब बहुपद में आपको कहीं भी बराबर नहीं मिलेगा, बराबर नहीं रहता बहुपद में, तो उसमें अगर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तब वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। जैसे अध्याय एक में पढ़े हो मानक बहुपद होता था उसमें, तो उसमें ऐसे बराबर शून्य नहीं रहता था। जैसे मानक बहुपद पूछा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर मानक बहुपद है उसको देखना, मानक बहुपद में क्या रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे ध्यान देना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मानक समीकरण, इसमें बहुपद में बराबर जीरो नहीं रहता, लेकिन समीकरण में बराबर जीरो लिखना ही पड़ेगा। खाली स्थान में आता है द्विघाती मानक समीकरण, जो मानक समीकरण है खाली स्थान होता है, तो उसको लिखना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना बस नहीं लिखना है, बराबर जीरो भी लिखना है, तब आपको एक नंबर मिलेगा। इसको समझते ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ध्यान देना, अगर घात दो बोला है तो अधिकतम घात दो ही होना चाहिए। दो घात इसमें तीन घात नहीं लिख सकते, एक ही घात तीन इसमें लिख नहीं सकते।
अधिकतम घात दो होना चाहिए और घात दो से अगर कम आया घात एक तो चलेगा, उसके बाद संख्यात्मक मान आएगा तो भी चलेगा, लेकिन घात तीन घात चार घात पांच घात छह हो ही नहीं सकता, द्विघात समीकरण बोला है। और एक चर बोला कि देखो एक साथ एक सी रहेगा। अब इसमें ध्यान देना एबीसी भी आ गया, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि एक साथ एक सी होना चाहिए, लेकिन इसमें एबीसी कैसे आ गया, वो तो अलग अलग चर हो गया, एबीसी भी तो चर है ना, लेकिन यहाँ ध्यान देना ये x बस इसमें चर राशि है, याद रखना x इसमें क्या है चर राशि है, a b c इसमें अचर राशि है, इसमें ध्यान देना x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा है तो ये जो x है ये चर राशि है, x क्या है चर राशि है, और इसमें जो a है ये जो b है और ये जो c है ये तीनों क्या है अचर राशि है, ध्यान देना। ये देखो क्या बताया मैंने, जो एक्स है वो क्या है चर राशि है और ए बी सी क्या है अचर राशि है, मतलब क्या संख्यात्मक मान उस ए बी सी के जगह में कोई भी संख्यात्मक मान रख सकते हो, चाहे एक लिखो चाहे दो चाहे तीन चाहे माइनस चार चाहे गणित दो, कोई भी संख्यात्मक मान इस ए बी सी के जगह में आएगा, क्लियर है। ध्यान देना क्या बताया, एक्स चर राशि है ए बी सी इसमें अचर राशि है, अचर राशि मतलब संख्यात्मक मान एक दो तीन चार माइनस दो करनी दो कुछ भी इसमें लिख सकते हो। एक चीज और याद रखना इसमें क्या लिखा है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ याद रखो रखना बी और सी के जगह में शून्य आ सकता है लेकिन ए के जगह में कभी भी शून्य नहीं आएगा, ध्यान देना ए के जगह में कभी भी शून्य नहीं लिख सकते, ए के याद रखना ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी के जगह में शून्य आ सकता है सी के जगह में शून्य आ सकता है लेकिन ए के जगह में कभी भी शून्य नहीं रहेगा, इस चीज को आपको याद रखना है, क्लियर है। अब आगे देखना इधर, यहाँ देखो क्या लिखा है, ये एक्स चर राशि हो गया ए बी सी, देखो क्या लिखा हूं ए बी सी क्या है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो वो क्या कहलाता है वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या आपको पता है जिसको p बटे q के रूप में लिखे तथा q नॉट इज इक्वल टू जीरो क्या कहलाता है परिमेय संख्या, जैसे माइनस दो बटे तीन ये शून्य हो गया, एक बटे दो हो गया, दस हो गया, क्लियर। अपरिमेय संख्या इस प्रकार करनी दो करनी तीन करनी पांच बटे तीन ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको आपको याद रखना है। इसमें ध्यान देना इसको द्विघात या वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना होती है दो होती है, इसको याद रखना एक नंबर का सवाल है, द्विघात या वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना होती है दो होती है। फिर ये बताया था द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखने पर क्या बन जाता है समीकरण बन जाता है, जैसे कि लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है बहुपद है लेकिन बराबर शून्य लगा दिए क्या बन गया समीकरण बन गया। देखिए ये करके देखे का सवाल है, इसको देखो एक चर का द्विघात वर्ग समीकरण चुनिए, ध्यान समझते हैं इसमें द्विघात समीकरण कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, जैसे बहुपद में पहचाने थे ना कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, आप लोग मैं बता रहा हूँ जो पहला वीडियो है बहुपद को उसको ध्यान से देखिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि उसके बराबर में जीरो लिखना बस है बाकी सेम है, ध्यान से देखना मैं बता दिया हूँ एक तो चार होना चाहिए, पहला ध्यान देना पहला सवाल देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर जीरो एकदम ध्यान से आसानी समझना है, देखो पहला क्या क्या ध्यान देना आपको एक चर होना चाहिए, देखो इसमें एक्स है इसमें भी एक्स है, उसके बाद आपको ध्यान देना अधिकतम घात दो, देखो घात दो है उसमें घात क्या है एक है तो घात दो से घात एक रहेगा तो चलेगा, फिर इसमें क्या है एक चर का द्विघात समीकरण है, ध्यान से देखो। दूसरा को देखना एक चर देखो एक्स है इसमें और भी वाई है क्या नहीं है, एक चर हो गया अब इसमें घात देखो अधिकतम घात कितना है दो, अब उसके बाद ये अचर राशि है ये चलेगा मतलब ये एक चर का द्विघात समीकरण है। तीसरा देखना इसमें एक्स है और दो है, अब एक्स मतलब एक चर तो है लेकिन अधिकतम घात इसमें दो है क्या, ये तो घात एक है घात दो है क्या नहीं है, तो घात दो नहीं है तो ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा को देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर नौ, ध्यान से देखो इसमें चर कितना है एक्स एक हो गया वाई का भी कितना हो गया
दो चार हो गया, ध्यान से देखना इसमें कितना चार हो गया, दो चार हो गया, इसलिए एक चार का द्विघात समीकरण नहीं है। पांचवा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस नौ बराबर जीरो, देखो कितना चार है, एक चार, अधिकतम घात कितना है, दो, इसलिए क्या है, एक चार का द्विघात समीकरण है। बहुत ध्यान पूर्वक देखे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखना इसमें छठवा में x प्लस पांच वाई बराबर जीरो, देखो x एक चार हो गया, y दो चार हो गया, इसमें दो चार हो गया, इसलिए एक चार का द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखना कोष्टक में लिखा है x माइनस वन, कोष्टक में लिखा है x प्लस टू बराबर जीरो, इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे हल करोगे, x फिर लिखना x प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू, इसको सॉल्व करके देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो देखो यहाँ से इसको बिना सॉल्व किए नहीं बना सकते, तो देखो इसमें चार कितना है, एक चार है x, अधिकतम घात कितना दो, उसके बाद एक, ये चलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक चार का द्विघात समीकरण है। इसको देखना एक्स स्क्वायर प्लस दो करनी एक्स माइनस वन बराबर जीरो, स्पेशली इस पर ध्यान दो, ध्यान से देखो ये एक्स इसमें एक तो है कि नहीं, एक तो है, ये हो गया एक्स की घात दो प्लस दो, ध्यान देना एक्स है, ये करनी का मतलब क्या होता है, एक बटे दो, बहुपद में जाना आपको समझ में आ जाएगा, करनी का मतलब एक बटे दो माइनस वन बराबर जीरो। तो बताया था इसमें देखो ये एक्स तो है लेकिन घात दो है, और इसमें घात एक बटे दो है, ध्यान देना एक बटे दो पूर्ण, देखना यहाँ पर क्या है, ये एक बटे दो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है, स्पेशली इस पर ध्यान देना। उसके बाद देखो क्या लिखा है, x माइनस तीन की घात दो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे x माइनस तीन दो बार लिखोगे, इसको आप लोग हल करके देखना, इसका ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस छह x प्लस नौ बराबर जीरो, इतना आएगा। देखो x एक चर है, अधिकतम घात कितना है दो, इसमें एक, तो हमारा चलेगा, इसलिए एक चर का द्विघात समीकरण है। इसको भी हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पांच एक्स बराबर जीरो, देखो एक्स एक चर है, अधिकतम घात कितना है दो, इसलिए क्या हो जाएगा, एक चर का द्विघात समीकरण है। इस पर ध्यान देना, ध्यान से देखो ये वाला जो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ संख्या में करनी है, एक्स में नहीं है, यहाँ देखो चर राशि एक तो है, ध्यान देना अधिकतम घात दो और उससे कम घात एक, इसलिए ये क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण है। इसमें इस पर डिफरेंस देख लेना, इसमें एक्स में करनी लगा है, इसमें संख्या में करनी लगा है, अगर संख्या में करनी लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक्स में अगर करनी लगा है तो उसको आपको देखना है, वो नहीं होता है। यहां से देखना ये क्या हो जाएगा, इसको देखना वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस थ्री बराबर जीरो, ध्यान देना इसमें कितना चर हो गया, दो चर हो गया, इसलिए क्या हो गया, एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर ध्यान देना एक्स स्क्वायर माइनस तीन करनी एक्स प्लस दो बराबर जीरो, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस तीन, अगर एक्स वाई जेड है उसमें करनी लगा है तो आपको ध्यान देना एक्स, करनी का मतलब होता है एक बटे दो, देखो ये क्या हो गया, एक बटे दो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर ध्यान देना ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसमें क्या है, इन दोनों फर्क क्या है, ध्यान से देखो प्रश्न एक जैसे दिख रहा है लेकिन इसमें एक्स में करनी लगा है, इसमें संख्या में करनी लगा है, तो इसलिए देखो अगर एक्स में करनी लगा है तो वो एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन संख्या में करनी लगा है तो वो एक चर का द्विघात समीकरण है। इसको फिर से सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये छह एक्स हो जाएगा और ये प्लस छह बराबर जीरो, तो ध्यान से देखो एक चर है, अधिकतम घात दो है, इसलिए एक चर का द्विघात समीकरण है। वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक देखे, मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करा दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आप लोग के लिए ग्रीक कार्य है, इसको इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं, और इसको बढ़ाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना न भूलें। धन्यवाद।